Hello, this is Pat Sir here. Welcome you all to Study From Home. Let's start with class 5 EBS with chapter number 18. No place for us, right? So today we will start with a new point, remembering old days. So in previous video we have talked about Jatriya Bai, right? His son Sidhya as well as his daughter Jimmy, right? And we also have talked about the works they were doing after coming to the Mumbai from Sindhuri village, right? So here in Mumbai, Jatriya Bai was remembering his old days. Then how was the life of him, right, in the place where they were living? So let's start it. Jatriya was born in Kheri village in the middle of thick green jungle and hills. यानी वो जहाँ पे रह रहे थे, जिस सिंदूरी विलेज की हमने बात की थी, तो वो विलेज कहाँ पे आया, सॉरी खेरी विलेज में रह रहे थे. तो वो जो खेरी विलेज है वो कहाँ पे आया हुआ था, दैट इट वॉज सराउंडेड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट और जंगल्स एंड हिल्स. यानी चारों तरफ बड़ी बड़ी या फिर छोटी छोटी क्या थी, हिल्स थी, एज वेल एज जो सराउंडेड एरिया है वो कैसा था, जंगल वाला एरिया था. सो in this term we can say that whatever the things that they were needed, right, for food, right, in terms of food or in terms of fuel, they can easily get from such places. Now his people had been living here for many years even before his grandfather was born. Yani wo aur unke jitne bhi people hai jo ye Kheri village mein reh rahe the, wo kitne saalon se reh rahe the, bahut saalon se reh rahe the. उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर जो ग्रैंडफादर है वो भी इसी विलेज में रहते थे. सो ऐसी कौन सी वजह आई डेट कि उन्हें क्या करना पड़ा, नहीं यानी वो पर्टिकुलर विलेज छोड़ के वहां पे जाना पड़ा, डेट वी विल कम टू नो बाय द एक्सप्लेनेशन. नाउ देयर वाज अ पीस इन जत्रियास विलेज बट नॉट साइलेंस. यानी उनका जो गांव था उस गांव में क्या थी, बहुत ही पीस थी, मीन्स चैन था, सुकून था, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं था, साइलेंस नहीं था. साइलेंस इन द मीन्स के वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, एज वेल एज जगह जगह पे यानी जो यंगस्टर्स है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एज वेल एज जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो वुमेन्स होते हैं वो अपने साथ यानी जो उनका जो डेली रूटीन जो वर्क है वो वर्क कर रहे हैं, राइट. सो हर तरफ देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, शोर दिखाई दे रहा है, मीन्स कि एवरीवेयर पीपल वेर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. नाउ देयर वर सो मेनी शूटिंग साउंड्स, यानी वहां पे काफी सारे शूटिंग साउंड्स आ रहे हैं. द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, यानी जैसे रिवर बह रही है तो उसकी जो पानी के बहने की जो आवाज है, राइट, दैट इज द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर. एज वेल एज हियर शूटिंग साउंड मीन्स द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, राइट, यानी जो बर्ड्स है जो अपनी यानी तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं उनकी आवाज वहां पे आ रही है, राइट. नाउ द मर्मर ऑफ ट्रीज एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी जो हवा के साथ जो पेड़ के जो लीव्स है वो हिल डुल रहे हैं, देन उसकी आवाज आ रही है, मर्मर, राइट, एज वेल एज चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स जो तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं. स्पैरोज की आवाज आपने सुनी होगी, राइट, मैनाज की आवाज आपने सुनी होगी, क्रो, राइट. सो उनकी जो एक चिरपिंग है वो चलती रह रही है. पीपल डिड फार्मिंग, बट ऑब्वियस सी बात है दैट के विलेज में ज्यादातर जो लोग है वो कौन सा काम करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज ही करते हैं, हर्डिंग एक्टिविटी. सो पीपल डिड फार्मिंग एक्टिविटी, दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टूगेदर to collect wild fruits, roots and dry woods. So वो क्या कर रहे हैं, जब जंगल में जा रहे हैं तो साथ मिल के जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो रास्ते में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, चैटिंग हो रही है, एज वेल एज सिंगिंग, यानी साथ में जाते जाते गाना भी गुनगुनाते जा रहे हैं, राइट. तो वो जंगल में जाते क्यों है, that to collect wild fruits, यानी जिससे उनका यानी जो एक तरीके से लाइवलीहुड जो अर्निंग्स है वो फुलफिल हो सके, यानी उनको खाने पीने की जो चीजें मिल सके, तो उसको कलेक्ट करने के लिए वो कहाँ पे जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं. रूट्स, राइट, एंड ड्राई वुड फॉर देयर टू प्रिपेयर और टू कुक फूड, राइट, एज वेल एज हियर
या फिर रूट्स, तो रूट्स से हम ये भी कह सकते हैं दैट दैट रूट्स यूजफुल फॉर मैनी थिंग्स एज वेल, सम हाउ इट इज यूजफुल फॉर द मेडिसिंस एज वेल एज सम हाउ इट इज बेनिफिशियल टू टाई अ हर्ट्स, राइट. सो नाउ व्हाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, यानी जैसे जैसे जो बच्चे हैं वो एल्डर्स के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनसे बड़ों से काफ़ी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं. सो द रीज़न वाई नाउडेज भी ऐसा कहा जाता है दैट व्हाट एवर द थिंग्स दैट यू वांटेड टू लर्न, सो नॉट एवरीथिंग गूगल्स विल टीच यू, राइट. सो व्हाट एवर द लाइफ लेसन इज देयर, राइट, यू विल ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स. अंडरस्टैंड, व्हाट एवर द थिंग्स दैट गूगल कांट टीच, राइट, द डिसिप्लिन, राइट, द good manners I can say, right. So such things you can learn from your elders, right, which Google cannot teach. Now, so many things like to dance together, to play flute and roll, to make pots of clay and bamboo, right, to recognize birds and imitate their sounds, etc. तो वो तरह तरह की चीजें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं. जैसे कि यानी छोटी छोटी एज में उनको क्या करना आ जा रहा है, डांस, they can dance as well as they play flute, right. So different flute means is a type of instrument, right, it can be flute, right. Now so roll, to make pots of clay, yani clay mein se kis tarike se tarah tarah ke pot banaye jaate hain, as well as bamboo, then you may have aware of the things which were prepared or which are prepared from the bamboos, right. Somehow you can see the pot in which the chapati is made, right. So such thing, as well as you may have aware of that so many huts could be made with the use of such bamboos, right. And bamboo is used, means bamboo used multiple ways, right, in constructing as well as for to making such huts, right, and different kind of products as well, right, to make furniture, somehow bamboo is used to. So as well as along with it, right, they will come to know about the recognized birds, right. Really it is a nice thing, right. If I ask a question that how many birds you are knowing, right, then the most familiar birds that you every time or every day see, right, you can only answer such bird's name, right, but you cannot say, right, you cannot say the bird's names which are literally seen in the forest, right. To know about such thing, you have to observe such birds as well as you have to find out that which type of birds is this, right. So there are multiple I can say ancestor or multiple caste or multiple types of birds there are in the forest, as well as imitate their sound. So different birds have different kind of sound, right. So they intimate means they also try to make a sound like such birds, right. Now people collect their things from the forest for their use. Some of those they would save in the town across the river. With their money they would buy salt, oil, rice and some clothes. Means whatever the things that they may have collected from the forest, right, sometimes they sell such things to the across the river. Means ke jo river ke us part jahan pe ya to sidhi city hoti hai ya phir dusra ek village hota hai, then wahan pe jaake unki ye sari cheeze wo kya karte hain, सेल करते हैं. अब जब सेल करने के बाद जो पैसे आते हैं, जो मनी वो अर्न करते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, सॉल्ट, ऑयल, राइस, मींस कि उनकी जो नेसेसिटी जो चीज़ें हैं जिनके जिसको यूज करके वो अपना यानी गुजरान चला सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बाय करते हैं. ना इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक बीइंग फैमिली, यानी वो कहने को तो एक विलेज है, एक गाँव है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, एक तरीके से फैमिली की तरह रहते हैं, यानी सब लोग एक दूसरे की यानी खुशी में एज वेल एज गम में, या फिर एक तरीके से उनके जो हैप्पी इवेंट्स होते हैं, जो हैप्पी डेज होते हैं उनमें भी, एज वेल एज जो सैडनेस वाले जो डेज होते हैं उनमें भी, एक तरीके से मिलजुल के उसको क्या करते हैं, शेयर करके अपना जो टाइम है, या फिर उनको एक तरीके से फैमिली की तरह उनको एक दूसरे को
करते हैं। Now Jatiya sister was married in the same village. People help each other in good and bad times. So here just the way I have taught, right? कि जतियाराज की जो sister है, उनकी भी जो यानी marriage हुई है, वो कहाँ पे हुई है? Same village यानी उसी गांव में हुई है. That at the time of marriage, we know that there are lots of work, right? So ये कैसे होता है? That कि एक दूसरे को support करके, यानी उनका जो एक तरीके से जितना भी ज्यादा से ज्यादा जितने भी काम का जो एक तरीके से बर्डन रहता है, उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो द रीजन वाइज चाहे कोई भी ओकेजन हो, वेदर इट इज ओकेजन ऑफ अ गुड और अ जॉय, राइट, और वेदर इट इज ओकेजन ऑफ बैड टाइम्स और अ सैडनेस डेज, राइट, सो दे कैन लिटरली बियर सस्टेन्स ऑन देयर शोल्डर्स एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर्स. नाउ द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेवरल फॉरवर्ड्स. तो जो बड़े बुजुर्ग है उनसे क्या कहा जाता है, उनसे उनकी क्या एक तरीके से ड्यूटी है, दैट वो क्या करते थे, जो वेडिंग्स को अरेंज करना है, यानी जो शादी वगैरह जो है, जो चीज़ें हैं उसको अरेंज करना, उसको यानी क्या करना, सेट करना, राइट. तो वो किसके वो किसके जिम्मे होता है, राइट, एल्डर्स के जिम्मे होता है. नाउ डेज भी यानी इन आवर फैमिली, राइट, इट इज द ड्यूटी और इट इज द elder person who can arrange such weddings or marriages, right, and settle quarrels. So kabhi kisi family mein kya ho jate hain, ladai jhagda ho jata hai ya fir man mutav ho jata hai, right, yani ek dusre se kya nahi hoti hai, unki banti nahi hai, wo ek dusre se jhagadte hain, fight ho jati hai, to wo jo quarrels hai usko kya karna, settle karna, yani un dono ko mila dena, right, unme fir se yani ek tarike se kya kar dena, उसको एक तरीके से उन दोनों की जो फाइट है उसको सेटल करा देना, वो किसके जिम्मे होता है, या फिर एल्डर्स ये काम करते थे. जत्रिया वाज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, यानी जत्रिया क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, तो वो यंग मैन एक तरीके से बन गया. ही वर्क हार्ड ऑन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द डीप रिवर. तो वो कहाँ पे काम करने के लिए जाता है, राइट, वो फील्ड यानी फार्म्स में भी काम करने के लिए जाता था, एज वेल एज कॉट फिश फ्रॉम द बीग रिवर. जो रिवर होती थी, राइट, नजदीक में ही, तो वहां से बड़ी बड़ी फिश को क्या करते थे, कैच करते थे, पकड़ते थे. ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दिस इन द टाउन. यानी ये सारी की सारी चीजें वो क्या करते थे, कलेक्ट करने के बाद उसको टाउन में क्या करते थे, बेचते भी थे. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जत्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज विलेज. देन हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, राइट, और बहुत मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो जो विलेज में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ तो बहुत टाइम यानी देखी होगी. देन एज वेल यानी जब कभी मैरिज का जब टाइम होता है तब भी होता है, या फिर एज वेल एज सम पर्टिकुलर ओकेजन्स इन विच द सच विलेजर्स पीपल बिलीव इन, राइट, यानी वो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें वो बिलीव करते हैं, ऑन सच ओकेजन, राइट, दे एंजॉय इट विद सच ग्रेट जॉय, आई कैन से. सो ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम यानी जब फेस्टिवल का टाइम आता है तब भी वो क्या करते हैं, जत्रिया वुड डांस यानी वो डांस करते हैं, प्ले द ड्रम एंड विद द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द एज, या फिर उनकी जो एज के जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ डांस करते हैं. नाउ हियर द टॉपिक 10, राइट, इन द सम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन बिफोर. सो इन केडी विलेज व्हाट ऑल द चिल्ड्रन लर्न. सो वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट एंड वी हैव सीन दैट ऑल चिल्ड्रन learn about the things which their elders were doing, right? That they will come to know about the identification of different kind of birds, as well as they come to know about the sounds, how to intimate the sounds of birds, as well as they know the different kinds of plants name, right? By seeing the leaves of such plants. Now, what do you learn from your elders, right? Then, but obviously, baat hai that we learn so many things from our elders, right? First of all, I can say that we will come to know about how to walk, right? Yani hum kaise chalna seekhte hain, that we will come to know from our elders, as well as we will come.
behave in front of guests as well as in front of elders, right? We will come to, we have came to know about such things from our elders, right? Now, Jatriya learned so many things in KE. How many of those would be useful for him in Mumbai? So we have talked about one thing that Jatriya would do, right? In the village that catch he faced, right? So literally, he was aware of, and he is aware of the nets which is used to catch fish, right? So what the things he has done in the Mumbai. So Mumbai mein bhi wo kya karta tha, that ke wo jo phati hui jo nets hoti, right, jisse kya kiya kya kiya jata tha, that ke jo fish hai usko pakra jata tha, understand? So jab kabhi wo kya ho jati thi, phat jati thi, mean tear up ho jati thi, to jo torn ho jati thi jo nets, to usko kya karne ka kaam, repair karne ka kaam kaun karta tha? Jatriya karta tha. So catching of fish, right, as well as how to repair such nets, literally the work he is or he was knowing now in Mumbai, which will be helpful for him. So do you hear the sounds of birds every day? Which ones, right? So if I ask a question this to you, then you can say that lots of birds, right? The sounds of lots of birds you are hearing, right? And so many sounds that you are knowing about, right? Like crow, mena, right? Peacock, right? As well as sparrow and much more than this, right? Now, can you imitate the sound of any bird so far? Right? If you are in the school, definitely I will say you to make a sound of such birds, right? But at now you are not in front of me, right? So you can try by your own at your house, right? Now, what are some of the sounds that you hear every day, but the people of KD may not be hearing? Then we are living in city, most of the students living in cities, right? And somehow most of the students are living in village too, right? Nowadays most of the villages are too busy, right, that they may have heard the voice of different vehicles, right, the honking of vehicles, as well as we are hearing the different sound of some industrial parts, या फिर काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, यानी जिनके जो हाउसेज है वो नियर बाय इंडस्ट्रीज होते हैं, एंड इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन के लिए जो मशीन्स यानी रन होते हैं, तो उनकी जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देती है, एज वेल एज रोड के ऊपर काफ़ी सारे व्हीकल्स भागते रहते हैं, उनकी आवाज़ भी हमें आती है, देन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द केडी विलेज, राइट? और जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनकी जो मर्मर की आवाज़ शायद ही हम सीधी में सुन सकते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जत्रिया के जो विलेज में होती थी वो हमें सीधी में महसूस करने के लिए या फिर सुनने को नहीं मिल रही, एज वेल एज वही सारी चीज़ें जो हम सीधी में सुन रहे हैं देन वो कहाँ पे नहीं मिलती है, खेड़ी विलेज में सुनने को मिलती नहीं थी, राइट? नाउ सो लास्ट, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर, राइट? सो वी कैन से दैट कभी कभी ऐसा हो जाता है दैट मैं अभी रिसेंटली एग्जांपल दूंगा, राइट, दैट आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट डे, राइट? यानी एक स्कूल का जो एटमोसफियर नाउ हम लोग यानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लिटरली, राइट, विदाउट द चिल्ड्रन द स्कूल इज नो लॉन्गर अ स्कूल, राइट? अंडरस्टैंड? सो एक तरीके से ये जो टाइम है वो हमारे लिए एक साइलेंस वाला टाइम है, यानी विदाउट स्टूडेंट्स द स्कूल इज बिकम अ साइलेंट, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो यहाँ पे यानी मैं ये कह सकता हूँ देन सिमिलरली, राइट, यू कैन फील अ साइलेंस इन योर सराउंड यू नाउडेज, राइट? सो कभी कभी ऐसा भी होता है, देन इसका आंसर आप ये भी कह सकते हो दैट के जब कभी हम घर पे अकेले होते हैं, कोई नहीं होता है, या फिर खेलने वाला हमारे साथ हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर नहीं होते हैं, एट टाइम्स, राइट, वी फील साइलेंट इन आवर होम, यानी अच्छा नहीं लगता है, क्लियर, राइट? एज वेल एज समहाउ कभी कभी ऐसा होता है दैट के जब जो सोसाइटी में यानी जो एक तरीके से स्ट्रीट में हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे साथ खेलने वाले जो फ्रेंड्स होते हैं वो कई मरतबा वो उनकी यानी ट्रैवलिंग पे यानी कहीं और जाते हैं, एट टाइम्स वी फील साइलेंस, राइट?
and we have experiences. So that's all for today, right? In next we will start with a new point, right? Till then, take care of yourself, right? Thank you very much and have a nice day.